बिजली का ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, यहाँ से बिजली आ रही है और ये तकरीबन 50-60 घर हैं। ये काफी बड़ी बस्ती है और ये काम अली मूसा गिलानी साहब ने कराया था, ये पाकिस्तान बनने से पहले बैठे होते। ये काफी तादाद में घर हैं, ये देखें जी, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 खंबे लगे हुए हैं और तकरीबन 15-20 मीटर इनके बन गए थे, तकरीबन 30 एक मीटर है। अभी हम दोस्तों का इंटरव्यू लेंगे, उनके भी उनसे सवालात करेंगे और सुनेंगे उनके क्या नजरियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या क्या नाम है आपका? इकबाल बलोच। अली मूसा गिलानी को या किसी के बारे में कोई पैगाम देना चाहिए? जी, उन्होंने मेहरबानी, उन्होंने साहब को लै लेवा जी, पहले से रहना मच्छर साडे बालों को खाने हैं, ते साडे बाल बीमार थे बने हैं, ते साडी लैन लगी है, साडे बाद तो पाकिस्तानी होल मरे, ठीक है ना। ते उन तो बाद इंशाल्लाह ताला असा हाजी सजाद नाल है, जाने महमूद अल्लाह खान नाल है, ते मूसा की माई नाल है, असा पार हल्के दे साडे रिश्तेदार बने, उड़े भी असा सपोर्ट करे मूसा गिलानी दा, बाकी मैं शेर गाना पिया बस जो लग दे मना के दे चार सही दे दस्तखत करा के दे चार अल्लाह ताला हाजी सजाद इलेक्शन लड़ना भी हेली नवादा जी दुआ दे सुभान अल्लाह। और अल्लाह काले काम भाई ये जे सर को पहले वोट गए ने उन को सर खड़ गए। हां हां क्या नाम है? मुश्ताक अमल बलोच। माशाल्लाह। अच्छा, ये आपकी बिजली कब से नहीं लगी हुई थी? ये जगह का पाकिस्तान बड़ा नहीं लगी बिजली और सारी बड़ी दुआएं और उनको इंशाल्लाह ताला कामयाबी करवासूं और सारे बाला बोलन दी सब बच्चों दी दुआएं दुआएं जिन्ने तक उनन दे नाल है पीपल्स पार्टी नाल है जियो भुट्टो जिंदाबाद। सारी दुआएं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला को कामयाबी करे भाई, अल्लाह ताला को कामयाबी करे, सारे सारी बिजली लग गई, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। अली मूसा गिलानी साहब ने बिजली का बरादरी ना मसला आई उन्दे च इन्होंने हल करवाया और बकायदा इन्होंने सोलिंग का भी वादा किया हाजी सजाद साहब ने, इंशाल्लाह साडी सोलिंग भी लगा सी क्या मुश्किल अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बलोची दीवान चैनल, मैं हूं खान शहबाज अंसारी। आज पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ बिजली नहीं लगी हुई थी, तकरीबन 70-80 साल हो गए हैं। तो अली मूसा गिलानी साहब यहाँ इनके पास आए हुए थे तो उन्होंने इनसे वादा किया था पिछले ज़िमनी इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा था कि मैं जीत जाऊँ या हार जाऊँ इंशाल्लाह मैं आपको बिजली दुआ दूँगा। और आपको हम दिखाते हैं कि बिजली वगैरह लग गई है, वो भी दिखाएँ, बिजली वगैरह लग गई है, ये विज़िट कराते हैं। ये झंडा भी उन्होंने लगा रखा है, नाजरीन ये आप देख रहे हैं, इन्होंने पीपल पार्टी का झंडा लगा रखा है, खुद अपने खर्चे से लगाया इन्होंने। ये बहुत जाले लोग हैं, बहुत बड़ा दरख्त है जिसके ऊपर ये पीपल पार्टी का इन्होंने झंडा लगा रखा है। और ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है, ये सारा काम अली मूसा गिलानी साहब ने करवाया है।